घूमते टहलते गए हिमालय पर्वत की एक गुफा में। क्या कहा? हिमालय पर्वत की एक गुफा में मुनि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि नारद तपस्या में लीन है। आगे क्या बताऊं? बहुत कोशिश किया हम लोग, बहुत कोशिश किए उनकी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन आप नहीं खोले। एकदम साधन भजन। ओह, ये तो बहुत गजब हो गया। दरबारियों, लगता है नारद मुनि जी अपनी तपस्या से मेरा सिंहासन छीन लेना चाहते हैं। महाराज, कोई उपाय सोचिए। दरबारियों, महाराज जाओ, मेरे प्राण मित्र कामदेव को दरबार में बुला लो। माइकिया किया दे, कामदेव ये सुनो, मेरा आपको दरबार में बुलाने का कारण यह है कि ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं के तपस्या के बल पे मेरा सिंहासन हिल रहा है। इसलिए हे कामदेव, हे कामदेव के काम करो, हे कामदेव के काम करो, नारद के हृदय पे वार करो। चिंता ना करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। है अमर भाग्य हम देव का जो बृहस्पति ईसा गुरु पाया है, जिनके प्रताप से राजन यह स्वर्ग लोक कहलाया, इनकी महिमा के कारण ही यह इंद्र लोक है। देव लोक इतना सुंदर, इतना अनुपम, ना दूजा कोई अन्य लोक। देवेंद्र स्वयं बल विशाल, इनकी भी महिमा जारी है, चतुरानंद की चतुराई भी इनके प्रताप से हारी है, 33 करोड़ देवता भी असुरों के आज्ञाकारी है, जिन पे करते हैं घमंड आप वो देवों की प्रभुताई है। ठीक है राजन, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। जब उस प्रमाण संहार करूं तो महक उठे उपवन का आनंद, जब धनुष बाण टंगा करूं तो हिल जाए शिव का आसन। ऋषि मुनियों के तप पर मार पल में खंडे करवाता हूँ, यातन का मुक्ता का प्रतीक मैं कामदेव कहलाता हूँ। चलो चिंता छोड़ो, मैं नारद का ध्यान निगा दूंगा, हे राजन अपने छल बल से मैं उनका मार दबा दूंगा। हे मेरे प्रेम मित्र कामदेव, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आपने तो मुझे खुश कर दिया। जाओ और मैं तुम्हारे प्रक्रम से अति प्रसन्न हूं, जाओ तुरंत जाओ। ठीक है राजन, मैं तुरंत जाता हूं।
देवताओं और अप्सराओं को भेज दिया जाए।